नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो नया डीजीपे आया है, नया वर्जन आया डीजीपे का, उसको आप किस तरीके से अपने लैपटॉप में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पे इस वाले पेज पे आ जाना है। देखिए डीजीपे डाउनलोड करना आपको, तो डीजीपे डाउनलोड करने के लिए ये मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से क्लिक करके आप इसको नए वर्ज़न को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों, तो सिंपली हम डाउनलोड कर लेते हैं इसको, और डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल करते हैं। दोस्तों देखिए हम इंस्टॉल करते हैं, आप भी इसको इंस्टॉल कर लीजिए इस तरीके से। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से फुल प्रोसेस बताऊंगा दोस्तों, डीजीपे पूरा यूज़ करके बताऊंगा, उसमें ट्रांजेक्शन करके बताऊंगा आपको सिंपली। देख दोस्तों, उसमें आरडी सर्विस किस माध्यम से करनी है आपको, 100% वर्क करेगी वो भी। तो सिंपली आपके आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है पूरा। डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको दोस्तों डिगी पे ओपन करना है। दोस्तों जैसे आप डिगी पे ओपन करोगे, तो अगर आपके नोट डिवाइस का ऑप्शन आ रहा है, तो वो भी प्रॉब्लम इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सॉल्व करने वाला हूँ। दोस्तों सिंपली दी गई लिंक पे क्लिक करके आप ये डिगी पे नया वर्ज़न डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों। उसके बाद आपको डिगी पे ओपन करना है दोस्तों लैपटॉप में अपने। जैसे देखिए मैं यहाँ पे लैपटॉप में डिगी पे ओपन करके बताता हूँ आपको। देखिए ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी एंटर सेस से आईडी में आपको अपनी सेस से आईडी डालनी नहीं है दोस्तों। सेस से आईडी डालने के बाद यहाँ पर टिक लगा के प्रोसीड पे क्लिक कर देना दोस्तों। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करोगे आप, तो आपके सामने देखिए यहाँ पे नीचे ये जानकारी शो होगी, ओटीपी भेजने की, तो आप ईमेल पे भेजना चाहते हैं या मेल पर, यहाँ पे सिलेक्ट करके जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर दिए दोस्तों। जैसे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे, तो जो भी आपने सिलेक्ट किया उस पर ओटीपी आएगी, तो वो सिंपली वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल कर देनी है दोस्तों। देखिए मैं यहाँ पे ओटीपी डाल लेता हूँ दोस्तों। ओटीपी यहाँ पे डालने के बाद सिंपली आपको वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे कि मैं यहाँ पे ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करूँगा दोस्तों। देखिए वेरीफाई ओटीपी क्लिक करने के बाद ये वाला ऑप्शन आएगा आपके सामने, इस पर टिक लगा के ऑथेंटिकेशन पे क्लिक कर देना दोस्तों। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, तो आपके मारूफों की लाइट चल जाएगी दोस्तों। और अगर आपको देखिए ये वाली प्रॉब्लम आती है, देखिए यहाँ पे शो होगा अभी, देखिए दोस्तों नो डिवाइस फंड अगर आपको दिखाई देता है, तो सिंपली इस प्रॉब्लम को 100% सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों आप। देखिए मैं बता दूँ आपको सिंपली कि आपको जो नया वाला आरडी सर्विस अभी आया है, उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम में दोस्तों। जो नया आरडी सर्विस है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो सिंपली आप वहाँ पे क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे डाउनलोड करने का, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ जो नया वाला आरडी सर्विस आया है उसको। तो उसको डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना पड़ेगा दोस्तों आपको। तो अगर आप इंस्टॉल कर लेते हैं, इंस्टॉल करने के बाद भी अगर आपके कोई प्रॉब्लम होती है दोस्तों, तो मैंने वीडियो बना रखा है आरडी सर्विस का 100% यूज़ का, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा उस वीडियो की। तो वीडियो देख के देखिए आप, उस वीडियो के माध्यम से आपका 100% मॉर्फो काम करने लगेगा दोस्तों। तो सिंपली देखिए मैं यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ दोस्तों, आप भी इंस्टॉल कर लीजिए नए वाले वर्ज़न को। और इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर ऑप्शन आएगा देखिए दोस्तों, येस और नो का। तो सिंपली आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है और फिनिश कर देना दोस्तों। अगर येस करोगे तो पूरा लैपटॉप रिस्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, तो इसलिए आपको नो पे क्लिक करके देखिए ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करेंगे आप। जैसे ही क्लिक करने के बाद आपके मॉर्फो की लाइट चल जाएगी दोस्तों। देखिए मॉर्फो की लाइट चलने के बाद सिंपली आपको फिंगर लगाना है। फिंगर लगाने के बाद देखिए यहाँ पे पोर्टल लॉगिन हो जाएगा दोस्तों। देखिए मेरी लाइट चल गई है, तो मैं यहाँ पे फिंगर लगा देता हूँ दोस्तों। फिंगर लगाने के बाद देखिए दोस्तों, ये पोर्टल ओपन हो जाएगा अपने आप। देखो दोस्तों, देखते रहिए आप। देखिए दोस्तों, ये पोर्टल ओपन हो चुका है आपका। इस तरीके से आप पोर्टल ओपन कर सकते हैं दोस्तों, इसी बड़े सिंपल प्रोसेस से इस तरीके से आप पोर्टल ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको ट्रांजेक्शन करके बताऊँगा दोस्तों कि कैसे ट्रांजेक्शन करना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे पासबुक देख लेते हैं हम, उसके बाद देखिए मैं आपको एक ट्रांजेक्शन करके बताऊँगा कि सिंपल प्रोसेस से आप ट्रांजेक्शन हो जाएगा दोस्तों। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको फुल प्रोसेस बता दिया दोस्तों। अगर आपकी आरडी सर्विस में कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो के माध्यम से आपका 100% वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी दोस्तों। देखिए मैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन करके आपको बताऊंगा दोस्तों, तो आपका ये डिगी पे 100% यूज़फुल हो जाएगा दोस्तों। जो नया वर्ज़न अभी आया है दोस्तों, उसको आप बड़े आसानी से यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। देखिए मैं यहाँ पर ट्रांजेक्शन करके बता रहा हूँ आपको दोस्तों। हमारे चैनल से जुड़े रहिए आप, जुड़े रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि अच्छे अच्छे नए नए वीडियो आपके लिए आते रहेंगे और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा दोस्तों। देखिए मैंने यहाँ पर ट्रांजेक्शन करके स्कैन टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, तो मॉर्फो की लाइट चल जाएगी। और वहाँ पर फिंगर रख के देखिए यहाँ पर ट्रांजेक्शन प्रोसेस हो रहा है। देखिए दोस्तों, ये देखिए देखिए दोस्तों, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है यहाँ पर। इस तरीके से बड़े सिंपल प्रोसेस से आप अपने
डिगी पे को यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, और डिगी पे चलाना बहुत ही आसान है दोस्तों। आप इसे चलाइए और बहुत अच्छी अच्छी सर्विस का लाभ उठाइए दोस्तों। सीएससी में डिगी पे चलाना अनिवार्य है दोस्तों। आप इस पर ट्रांजेक्शन करेंगे तभी आपको आगे भी नई सर्विस यूज़ करने को मिलेगी दोस्तों। तो बड़े सिंपल प्रोसेस से आप इसको चला सकते हैं दोस्तों। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा ना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो आपको कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा दोस्तों। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया दोस्तों तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी आपको समझ में नहीं आया हो मैं उसका जवाब आपको 100% दूंगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।